इसके लिए कटोरी जो है बहुत ही परफेक्ट एकदम है इसके लिए ना चारू, अच्छा लग रहा है। हाँ किस तरह से खा रही है दबा दबा के। नहीं फूल इसको उबालना है तो मम्मी से पूछकर उबालेंगे कि अभी उबालना है या सुबह। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो अभी शाम का टाइम है और घर का साफ कर रहे थे। हाँ बोल दो, बोलो बोलो, शर्मा रही है तो चारू बोलने खोज रही थे लेकिन बोल। तो घर का काम हो रहा था साफ सफाई, तो घर का अंदर तो हो गया है, बाहर में हो रहा था। चारों तरफ से पूरी तरह से घास फूस था तो उसको हटा रहे थे चारों पापा और हम भी थे साथ में, तो दोनों झर मिलजुल करके किए हैं। और अभी देखिए आप सभी को बताते हैं कि किस तरह से साफ कर दिए हैं। चलिए बताते हैं। चारों तेरा गाड़ी यहाँ पर है, तेरा यहाँ पर इस तरह से पूरी तरह साफ कर दिए हैं। और जिस टाइम हम लोग का शादी हो रहा था उस टाइम तो यहाँ पर पूरी तरह से चिकना ही था, लेकिन चिकने इस तरह से था तो उसी टाइम हम लोग यहाँ पर बुनाई कर दिए थे, मतलब कि बोदी लगा दिए थे, भिंडी उंडी तो ये सब था तो खाने के लिए हो गया था। लेकिन अभी पूरी तरह से यहाँ पर साफ में किए हैं, इसको भी यहाँ से निकाल देंगे और अच्छे से ये देखिए इस तरह से हो जाएगा तो आग लगा देंगे देखिए यहाँ पर। और इसमें हम माटी को यहाँ तक ऊँचाई तक डाल देंगे ताकि अच्छे से भर जाएगा और अच्छा दिखेगा। और देखिए यहाँ पर लार है तो इसका हमने तोड़ लिए हैं जी, गोमरा इसको बोलते हैं ना, तो तोड़ के रख लिए हैं तो इसी का सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर से तोड़ लिए हैं तो अभी तो नहीं है, एक सिर्फ है बड़ा सा तो उसको छोड़ दिए हैं, बिहीन के लिए अगला वर्ष होगा, दाने इसको फिर छीट देंगे लगा देंगे। तो चलते हैं अब घर और सब्जी बनाएंगे देसी का। तो यहाँ पर ये है बैगन, तो बैगन को सोच रहे हैं कि 4 से 5 दिन और रहने देंगे, 8 दिन, कहे कि अगर तुरंत हटा देंगे तो अभी फल फूल लग रहा है तो कुछ दिन और खाने के लिए हो जाएगा। और यही यहाँ से इस तरह से साफ कर देंगे अच्छे से ताकि चिकना लगेगा। और घोरना जो घोरे हैं वो तो है ही है, यहाँ पर अभी कुछ दिन और रहने देंगे उसके बाद में हटाएंगे। और यहाँ पर छोड़ दिए हैं बादाम को, देखिए टप में डाल करके, तो ये रहता है रात भर यहीं पर क्योंकि हम लोग का गांव में ज़्यादा चोर उर नहीं चुराते हैं। चलो बेटा निकल जाओ, आ जाओ इधर आ। तो ये देखिए इतना सारा है तो सभी को तोड़े हैं, तो इस तरह से पहले इसका छिलका को हटा लेंगे, देखिए इस तरह से खखोर लेते हैं तो अच्छा से रहता है। ये वाला जो खाएंगे ना तो तीता लगता है ये वाला, इस चलते इसको खखोरना पड़ता है इस तरह से करके। चारों का भी ब्रेड ले दिए हैं तो खा रहे हैं पूरे मजे में। अब मम्मी या बाबू पता नहीं किधर घूमने चल गए हैं तो चारों मेरे ही साथ में है ना चारों। चारू जब दादी आई थी ना तो चारू पूरी तरह से लटक गई थी दादी में, डेली पूछ रहे थे दादी कहाँ गई बेटी, उन्नी उन्नी बता रही थी, जब आई तो एकदम लटक गई थी दादी में, जाने टाइम वैसे नहीं ना वहां डालते हैं गंदा बात, चलो निकालो वहां से ना। तो इस तरह से हम छोल लेते हैं और बनाते हैं, काफी ज्यादा मजा आता है खाने में, गांव देहात में बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वैसे तो ये थोड़ा सा ठंडा चीज है लौकी, और इसको भी बोलिए तो थोड़ा ठंडा ही चीज है लेकिन मजा ही कुछ अलग है खाने के लिए। तो चलिए इस तरह से हम बना लेते हैं। तो अब हम सब्जी बनाएंगे, तो यहाँ पर हम चूल्हा धरा लिए हैं, एक तरफ मेरा भात डबक रहा है और तेल निकाल ले रहे हैं, और कढ़ाई में हम डाल देंगे इस तरह से, उधर भात मेरा डबक रहा है एकदम खचा पचा, जल्दी हो जाएगा फटाक से। और सभी कोई को भूख भी लग रहा है तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अब फौरन हम यहाँ पर तैयार कर लिए हैं लहसुन और मिर्चाई, बस इतना ही डालते हैं और कुछ नहीं, तो ऐसे ही डाल करके बनाएंगे। तो तेल मेरा गरम होगा तभी हम डालेंगे फौरन को, तो तेल मेरा गरम हो गया है तब हम फौरन को डाल देंगे, फौरन को हम थोड़ा सा जलने देंगे उसके बाद ही हम मिर्चाई को डालेंगे, मिर्चाई को डालेंगे तो जल्दी जल जाता है मिर्चाई।
शाम हो गया, सभी को चल गए हैं पैर हाथ धोने, उधर से आएंगे तब तक खाना हमारा इधर भात जो है बन के रेडी हो जाएगा। सब्जी में थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो लेट होगा सब्जी बनने के लिए। इसमें हम डाल देंगे मिर्चाई को, साथ में हम दोनों को भून लेंगे। तो फौरन मेरा जल चुका है, इसमें हम डाल देंगे बोंडा को। अब हम अच्छे से इसको पकने देंगे। सब्जी को हम पलट दिए हैं उधर, और इधर हम मार पसाएंगे। भात मेरा पक गया है, मम्मी और एक सब्जी ला करके रख दिए हैं, तो वो सब्जी को हम कल सुबह में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, और उसे उबाल कर रख देंगे या तो फिर ऐसे ही रख देंगे। तो भात को पसा लिए, उसके बाद में हम यहाँ पर बादाम भूंज लिए हैं। तो बादाम का हम चटनी बनाएंगे। मम्मी बोल रही है कि मम्मी खाने नहीं पाती है ऐसे भूंज भूंज के, हम लोग तो खा जाते हैं, लेकिन मम्मी बोल रही है कि चटनी बना दो और घुंघरा का भुंजिया रहेगा। इस चलते हम घर के ही चीजों से हम सारे कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से छिलके हटा दे रहे हैं, और इसको हम लहसुन मिर्चाई नमक डाल करके और इसको हम पीस देंगे अच्छे से। तो ये देखिए लहसुन मिर्चाई है साथ में। अब हम यहाँ पर डाल देंगे बादाम को, और हम सभी को पीस लेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल देंगे। तो एक बार हम इसको पीस ले रहे हैं, तो तभी बहुत ही ज्यादा दिख रहा था और अभी कम दिख रहा है, पीसने के बाद में कम हो जाता है। तो बाद में हम नमक को डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। ये देखिए पिसा के कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अब हम इस तरफ एक साइड कर लेंगे, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डालेंगे। यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे, इतना में हो जाएगा। अब हम इसको एक बार फिर से पीस लेंगे। सिलवट में पीस के खाने की मजा ही कुछ अलग है। तो चटनी को हमने पीस लिए हैं, और ये देखिए भुंजिया हमारा बहुत ही अच्छा परफेक्ट एकदम बन के तैयार है। इसको अब हम थास कूच कर इस तरह से, और टमाटर नमक हम डाल दिए हैं, क्योंकि हम तभी नहीं डाले थे, तभी बहुत ही ज्यादा था, तभी हम डाले हैं, और बहुत ही अच्छा से देखिए गल चुका है। तब हम इसको अच्छे से थास लेते हैं और उतारेंगे। और सभी को भूख लग रहा है काफी ज्यादा, तो खाने के लिए सभी को इसी तरह से फटाफट से बना देते हैं। मम्मी बोल रही थी मसाला डाल देने के लिए, तो चारू पापा को ये चारू देखो तेल लेके जा रही है। कहाँ ना बेटा, चारू पापा को पसंद नहीं है मसाला वाला, तो इस चलते बोल रहे हैं कि हमको इसे ही चाहिए। नहीं सकेगी बेटा, किधर मरा दी, ढक्कन उसका खुलेगा ना तो गिर जाएगा। तेल उसमें ज्यादा है। तो भुंजिया मेरा बन के तैयार है, तो अब हम इसको उतार लेते हैं और चलते हैं खाएंगे। खाना खाने जा रहे, झाड़ू लगा रहे हैं। खाना निकाल दिया, चाची जा रहे लेने। गिलास में पानी ले लेना। तो यहाँ पर चारू को दे दी है खाना, तो फूक फूक के खा रही है, देखिए बहुत ही अच्छे से। और इसी कटोरी को पसंद करती है ये खाने के लिए, इसके लिए कटोरी जो है बहुत ही परफेक्ट एकदम है इसके लिए ना चारू। अच्छा लग रहा है, हाँ किस तरह से खा रही है दबा दबा के। और यहाँ पर प्रिया खा रही है, और ये देखिए मम्मी, जो आप सभी को हम बताए थे कि मम्मी गई है साग लेने, तो ये है सनई फूल, इसको उबालना है। तो मम्मी से पूछकर उबालेंगे कि अभी उबालना है या सुबह। वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सीजने के लिए, तुरंत ही हो जाता है। तो यहाँ पर अभी झाड़ू लगाया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से उझल लेंगे और सूप में झाड़ झाड़ कर रखेंगे।
सूर्या उधर खाना खा रही है। तो इस तरह से झाड़ लेंगे, जो भी चीज होगा वो निकल जाएगा। काफी अच्छे अच्छे एकदम है, सुंदर सुंदर पीला एकदम पूरा दिखता है। बोलते हैं कि सनई फूल में ही सिंदूर के साथ में ये रहता है, बोलते हैं उसका सनई फूल। सिंदूर जब शादी ब्याह जब होने लगता है तो इसी फूल से सायत दियाता है, ऐसा बोलते हैं सभी को। पता नहीं सच है या झूठ, हम भी नहीं जानते हैं। तो इसको हम सुबह बनाएंगे। और चलिए ब्लॉग को हम इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।